उनका मैं हाथ जोड़ता हूँ, उनका मैं पैर पड़ता हूँ, उनसे मैं आग्रह करता हूँ। नमस्कार, मैं राहुल देव और आप आशा एक भारत देख रहे हैं। देश अभी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इस बीच बिहार के आरा भोजपुर में अधिकतर प्राइवेट डॉक्टर्स अपना क्लिनिक बंद कर चुके हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स अभी भी खुले हुए हैं लोगों को इलाज करने के लिए, मदद करने के लिए। मैं आपको इस वीडियो के अंत में जानकारी दे दूंगा किन किन डॉक्टर्स का अभी क्लिनिक खुला हुआ है। वहीं प्राइवेट क्लिनिक बंद को लेकर बीजेपी के एक MLA बड़हरा सीट से राघवेंद्र प्रताप सिंह ने DM से कहा है कि मैं आपका पैर पड़ता हूँ, क्लिनिक खुलवा दीजिए। डॉक्टरों से भी कहा है, क्या कुछ कह रहे हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, आप खुद सुन लीजिए। जी, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, बिहार विधानसभा बड़हरा बिहार के सभी माननीय चिकित्सकों से, नर्सिंग सेवा के जो संस्थान है उनसे और जो अन्य स्वास्थ्य संबंधित संस्थान हैं उनसे मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ। यह कोरोना का बड़ा संकट का समय है और मैं देख रहा हूँ कि करीब करीब सभी जगहों पर, विशेष करके भोजपुर में मैंने देखा, डॉक्टर साहब लोग अपना अपना दरवाजा बंद करके बैठ गए हैं। फोन करने पर भी कोई फोन रिसीव नहीं करता है। लोग आरा शहर में आकर के जो मरीज हैं वो तड़प रहे हैं। मैं कभी फोन करने का प्रयास करता हूँ तो या तो फोन स्विच ऑफ मिलता है या फोन की घंटी बजते रह जाती है। वो जानते हैं कि राघवेंद्र जी बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी फोन को रिसीव नहीं करते। मैं तमाम डॉक्टर साहब लोगों से, विशेष करके भोजपुर के जो हमारे डॉक्टर साहब लोग हैं उनसे मैं विशेष आग्रह करना चाहता हूँ। उनका मैं हाथ जोड़ता हूँ, उनका मैं पैर पड़ता हूँ, उनसे मैं आग्रह करता हूँ, कृपा करके कम से कम 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ही अपने नर्सिंग होम और अपने चिकित्सीय कार्यालयों को खोलें। उसमें लोगों को दूर से ही देखें, दूर से ही इलाज करें। अन्यथा इस जिले ने, इन लोगों ने आपको इतना सम्मान दिया, आपको इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आपके प्रति वो हमेशा समर्पित रहे, आपको सम्मान भी दिया गया और आज आप दरवाजा बंद करके बैठ गए। कहाँ जाएंगे लोग? लोग हमको फोन करते हैं, मैं प्रयास करता हूँ। कल मैंने DM साहब से भी बात की है कि आप लोगों की एक मीटिंग बुला करके आप लोगों से आग्रह किया जाए कि कम से कम 2 घंटा 1 घंटा के लिए भी अपने संस्थानों को आप खोलें, कि लोग तड़प तड़प करके मरने पर मजबूर मत हों। ये मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम आप इस पर ध्यान दें कि इस जिले के लोगों ने आप लोगों को कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आप जरा अपना हृदय कटोल करके देखें कि आप कहां से आप कहां पहुंच गए और आज आप अपना दरवाजा बंद करके बैठ गए हैं। मरीज तड़प रहे हैं, मर रहे हैं और आपको जरा भी फिक्र नहीं है, आपके अंदर जरा भी दया की भावना नहीं है। डॉक्टर को लोग ईश्वर के रूप में देखते हैं, ईश्वर का दूसरा दूत मानते हैं, आप दूत होकर कैसे कर रहे हैं? कृपा करके ऐसा मत कीजिए, मैं आग्रह करता हूँ और मैं पुनः आपका पैर पकड़ता हूँ। एक विधायक के नाते नहीं, एक नागरिक के नाते आपका पैर पकड़ता हूँ कि आप कम से कम 2 घंटा 1 घंटा के लिए जरूर खोलिए, अन्यथा यह जिला तड़प तड़प करके लोग मरने पर मजबूर हो जाएंगे इस जिले में और कहीं कोई देखने वाला नहीं बचेगा। मैं DM साहब से भी आग्रह कर रहा हूँ, उनसे भी कह रहा हूँ कि आप माननीय चिकित्सक गण की एक मीटिंग बुलाएं अपने निवास स्थान पर या किसी अन्य जगह पर सोशल डिस्टेंस के साथ, और उन लोगों से आप भी आग्रह करें और समझाएं कि कम से कम 2 घंटा लोग मरीजों को जरूर देखें। ऐसे छोड़ने पर सारे जिले में, सारे बिहार में तबाही की स्थिति हो गई है। मेरा विशेष आग्रह है कि कम से कम आप लोग दया करें, मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर इस मामले में विचार करेंगे और आज से या कल से कम लोगों को 1-2 घंटा भी समय निकाल करके सोशल डिस्टेंस बना करके लोगों को देखने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि आप लोग ईश्वर के दूत हैं, दयालु हैं, आपके ही कृपा से, आपके ही देखने से, आपके ही चिकित्सा करने से मरीज ठीक हो सकते हैं। इसलिए मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ। मैं अपनी पत्नी के चिकित्सा के सिलसिले में दिल्ली में हूँ, कल मैं लौटूंगा शाम तक, तो मैं अन्य जगहों पर भी
लोगों से मैं कहूँगा कि वो आकर के अपना चिकित्सा करवाएं, लेकिन आपका जब चिकित्सीय कार्यालय खुलेगा तभी चिकित्सा होगी। इसलिए मेरे आग्रह को माने, मैं हमेशा आप लोगों की सेवा में रहता हूँ, मैं स्वयं भी आप लोगों को बहुत सम्मान देता हूँ, लेकिन हमारी जनता चरम चरम से मर जाएगी तो यह सम्मान किसका। इसलिए राजविंदर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप निश्चित इस पर विचार करें, डीएम साहब विचार करें, जिले के पदाधिकारी विचार करें, और आप लोग कम से कम जनता की सेवा में आगे आए, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि राघवेंद्र प्रताप सिंह डॉक्टरों और डीएम से आग्रह किया है कि क्लिनिक खुलवाने के लिए, और उन्हें आशा भी है कि क्लिनिक डॉक्टर्स खोल देंगे। इस बीच आरा में कई सारे डॉक्टर्स अभी भी क्लिनिक खोले हुए हैं, उसी में एक राजेंद्र हॉस्पिटल है जो कि केजी रोड आरा में है, उनका क्लिनिक खुला हुआ है और 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है, इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है और ऑक्सीजन की भी व्यवस्था उपलब्ध है, वहाँ आप वहाँ इलाज करा सकते हैं। और कई सारे डॉक्टर्स अभी क्लिनिक खुले हुए हैं, आप पता करके वहाँ इलाज करा सकते हैं। इलाज कराने या किसी भी जानकारी के लिए अगर आपको राजेंद्र हॉस्पिटल का मोबाइल नंबर चाहिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर दें। धन्यवाद।